डियर स्टूडेंट्स, आज हम द लिटिल ब्लैक बॉय पोएम को रीड करेंगे जो विलियम ब्लैक द्वारा लिखी गई है। तो देखते हैं इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है। द लिटिल ब्लैक बॉय is written by William Black. इस कविता में कवि यूनिवर्सल लव एंड ब्रदरहुड का संदेश देता है और अफ्रीकी बच्चे की कहानी के माध्यम से इस पोएम में वह संदेश देता है। My mother bore me in the southern wild. Southern wild से मतलब है दक्षिण अफ्रीका के जंगल। And I am black. But oh, my soul is white. White as an angel. यहाँ पर जो है कवि ने simile का यूज किया है। Simile is a figure of speech involving the comparison of one thing with another of a different kind. कंपैरिजन किया गया है एक वस्तु का किसी दूसरी जो कि अलग तरह की वस्तु है उसके साथ। इज द इंग्लिश चाइल्ड बट आई एम ब्लैक एज इफ ब्रीव्ड ऑफ लाइट। यहां पर ब्रीव्ड का मतलब है वंचित रहना, किसी चीज से वंचित रहना, कोई चीज ना मिलना। और आई यहां पर यूज हुआ है लिटिल ब्लैक बॉय के लिए। शुरू करते हैं। माई मदर बोर मी इन द सदर्न वाइल्ड। कवि कहता है कि मेरी माँ ने मुझे अफ्रीका के जंगलों में जन्म दिया। एंड आई एम ब्लैक और मेरा शरीर काला है। बट परंतु ओ माई सोल इज वाइट, पर मेरी आत्मा सफेद और पवित्र है। वाइट एज एन एंजल इज द इंग्लिश चाइल्ड। कवि कहता है कि अंग्रेजी बच्चा एक फरिश्ते जैसा सफेद होता है। बट आई एम ब्लैक, पर मैं काला हूं, मेरा शरीर काला है। एज इफ, इस तरह लग रहा है जैसे कि ब्रीव्ड ऑफ लाइट, जैसे मुझे प्रकाश से वंचित रख दिया गया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा ने मुझे प्रकाश नहीं दिया, मुझसे प्रकाश छीन लिया, इसलिए मैं काला हूं। माई मदर टोट मी अंडरनीथ अ ट्री। अंडरनीथ का मतलब होता है नीचे। एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ डे। बिफोर हीट ऑफ डे का मतलब है दिन की शुरुआत अभी नहीं हुई। कहने का मतलब अभी पूरा दिन नहीं निकला है, यानी दिन का प्रकाश पूरी तरह नहीं फैला है। She took me on her lap and kissed me. Lap का मतलब यहां पर गोद में है।
and pointing to the east begin to say. यहाँ पर कवि कहता है कि एक दिन मेरी माता ने मुझे एक पाठ पढ़ाया, मुझे कुछ बातें बताई। वह एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और सूर्य अभी तक पूरी तरह से नहीं निकला था। कहने का मतलब, सूर्य अभी बहुत गर्म नहीं हुआ था और उसने मुझे अपनी गोद में लिया और मुझे चूमा। फिर उसने पूर्व दिशा की ओर इशारा करते हुए कुछ कहना शुरू किया या कुछ कहने लगी। वह क्या कहती है? लुक ऑन द राइजिंग सन, देयर गॉड डज लिव एंड गिव्स हिज लाइट एंड गिव्स हिज हीट अवे। और वो लड़का कहता है कि मेरी माता ने मुझसे कहा कि उदय होते हुए सूर्य की ओर देखो, ईश्वर वही रहता है जो हमें प्रकाश देता है और वह हमें ऊष्मा भी प्रदान करता है। His lights. यहां पर सूर्य की गर्मी से मतलब है लाइट एंड हीट रिप्रेजेंट द वार्म्थ ऑफ गॉड्स लव। कवि कहता है कि वह जो सूर्य है वो परमात्मा की भांति हमें गर्मी और ऊष्मा प्रदान करता है अपने प्यार की। एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बीट्स And men receive comfort in morning, joy in the noonday. फिर वह कहता है, फूल, पेड़, जानवर और मनुष्य सभी ईश्वर के प्रकाश एवं ऊष्मा को प्राप्त करते हैं। ईश्वर की ऊष्मा उन्हें प्रातः के समय आराम और दोपहर के समय खुशी प्रदान करती है। अगले स्टेंजे में कवि कहता है, एंड वी आर पुट ऑन अर्थ अ लिटिल स्पेस। वह कहता है, अ लिटिल स्पेस का मतलब है बहुत थोड़ी जगह। दैट वी मे लर्न टू बियर द बीम्स ऑफ लव। कवि कहता है कि हमें इस धरती पर बहुत ही थोड़े समय के लिए भेजा गया है। ईश्वर ने हमें यहाँ पर इसलिए भेजा था ताकि हम अपनी आत्माओं में प्यार की किरणों को धारण करना सीखें। एंड दीज ब्लैक बॉडीज एंड दिस सन बर्नड फेस इज बट ए क्लाउड एंड लाइक अ शेडी ग्रोव। ग्रोव का मतलब यहाँ पर क्या है? ग्रोव का मतलब है वृक्षों का झुंड, वाटिका, बगीचा जिसको हम अपने कह सकते हैं। वी मे लर्न, हम यहाँ पर सीखते हैं। वी मे लर्न द वे ऑफ लिविंग इन द वार्म्थ ऑफ लव। कवि कहता है कि यहाँ पर इस धरती पर हम प्यार की किरणों में सीखते हैं कि जीना कैसे है। और कवि के अनुसार ये सब बातें क्या है? काले बादलों की तरह है। हमारे इन काले शरीरों और सूर्य की गर्मी से झुलसे हुए चेहरों का कोई महत्व नहीं है। वे मात्र एक बादल अथवा वृक्षों के छायादार झुंडों के समान है जो हमसे सूर्य के प्रकाश को छुपा लेती है।
these black bodies and this sunburnt face. यहाँ पर कवि ने फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज की है, अलिट्रेशन यूज किया है. जैसे कि आपको पता है अलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट प्रेजेंट्स द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स. For when our souls have learned the heat to bear. The cloud vanishes, we shall hear his voice. यहां पर द हीट का मतलब क्या है, प्यार की उष्मा, प्यार की गर्मी. वैनिश, वैनिश का मतलब यहां पर है गायब हो जाना या ओझल हो जाना. क्लाउड, द क्लाउड का मतलब क्या है, कवि कहता है द क्लाउड ऑफ आर बॉडी. कॉन्शियसनेस, वह अंधेरा, वह बादल जो हमें सचेत करता है कि हमारी बॉडी काली है या वाइट है. वैन, वैन किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर, कवि कहता है कि वैन आर सोल लर्न्स द हीट ऑफ लव एंड वी फॉरगेट आल डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट कलर एंड क्रीड. कवि कहता है कि जब हमारी आत्माएं प्यार की उष्मा को धारण करना सीख जाएगी तो हमारा काले शरीरों रूपी बादल ओझल हो जाएगा, अपने आप ही खत्म हो जाएगा. जब हमारी आत्मा यह सीख लेती है कि शरीर का काला होना या शरीर का सफ़ेद होना ये सिर्फ एक भ्रम है, जब हम भाईचारे की और यूनिवर्सल लव की बात को समझ जाते हैं तब, और उसके बाद ही हम किसकी आवाज़ सुन पाएंगे, उसके बाद ही हम ईश्वर की आवाज़ को सुनने के योग्य हो जाएंगे. सेइंग है ईश्वर की आवाज़ क्या कहेगी, कम आउट फ्रॉम द ग्रोव. ग्रोव का मतलब हम पहले ही जान चुके हैं, वृक्षों का झुंड जहाँ पर छाया रहती है, और जब प्रकाश आता है तो वो छाया गायब हो जाती है. उसी प्रकार जब हमारे मन में, हमारी आत्मा में ये भाव आता है कि हम काले हैं या हमारा शरीर काला है, लेकिन जब हमें प्यार की गर्मी महसूस होती है, उस परमात्मा की जो दया दृष्टि है या उसका ज्ञान हमें होता है, तब वो बादल अपने आप हट जाता है, जैसे कि सूर्य के प्रकाश में छाया का हट जाना. माय लव एंड केयर एंड राउंड माय गोल्डन टेंट लाइक लैम्प्स रिजॉइस. लैम्प्स का मतलब यहाँ पर भेड़ के बच्चे से है, रिजॉइस का मतलब जो कि आनंद लेते हैं. और वह आवाज क्या कहेगी, वह कहेगी अपने काले शरीरों रूपी वृक्ष वाटिका से बाहर आ जाओ. वह हमें कहेगी कि आपके मन में जो भी भेदभाव वाले विचार आते हैं उनसे बाहर आओ, तुम मेरा प्यार हो और मुझे तुम्हारी चिंता रहती है. तुम मेरे साथ मेरे सुनहरी तंबू में आओगे और वहाँ इसके इर्द गिर्द छोटे मेमनों की भांति प्रसन्नतापूर्वक खेला करोगे. Thus did my mother say and kissed me, and thus I say to little English boy, when I from black and he from white, cloud free, and around the tent of God like lambs we joy. यहाँ पर कवि कहता है ये सब बातें मुझे मेरी माँ ने जंगल के एक पेड़ के नीचे बताई.
और उसने मुझे प्यार किया। और जो बातें मेरी माँ ने मुझे सिखाई, अब वही बातें मैं एक अंग्रेज लड़के को बता रहा हूँ। मैं उसको कह रहा हूँ कि जब मैं अपने काले रंग रूपी बादल और वह अपने सफ़ेद रंग रूपी बादल से मुक्त हो जाएगा, तो ईश्वर के मेमनों की भांति हो जाएंगे और हमारे दोनों के मन से काले और सफ़ेद रंग के बादल खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तभी हम परमात्मा की मर्जी से उसके बनाए हुए टेंटों में या उसकी बनाई हुई धरती पर हम आनंद से प्रसन्नतापूर्वक खेला करेंगे। आई एंड ही, यहाँ पर दो लड़कों की बात की गई है। द टू बॉयज विल बी फ्री फ्रॉम द ब्लैक एंड वाइट क्लाउड व्हेन देयर साउल लर्न द लेसन ऑफ लव। जब वो प्यार का पाठ सीख जाएंगे दोनों लड़के, तब वो प्रसन्नतापूर्वक इस धरती पर रह पाएंगे जैसे कि मेमने रहते हैं। आई शेड हिम फ्रॉम द हीट टिल ही कैन बियर। यहाँ पर हीट की बात हुई है। कौन सी हीट है? रंग भेद रूपी कड़वाहट की गर्मी। टू लीन इंजॉय अपॉन आर फादर्स नी एंड देन आई स्टैंड एंड स्ट्रोक हिज सिल्वर हेयर एंड बी लाइक हिम एंड ही विल देन लव मी। शेड का मतलब यहां पर है छाया प्रदान करना, और स्टोक का मतलब है प्यार से हाथ रखना या फेरना। कवि यहां पर कहता है कि मैं उसे अश्वेत लोगों की गणना से बचाऊंगा, फिर वह मुझे प्यार करने लगेगा तथा मेरे पिता को अपने पिता के समान समझेगा। मैं उसके पास खड़ा हो जाऊंगा। आई स्टैंड, मैं उसके पास खड़ा हो जाऊंगा और उसकी बॉडी या उसके चांदी जैसे बालों पर हाथ फेरूंगा और फिर मैं भी उसकी तरह हो जाऊंगा और फिर वह मुझे प्यार करने लग जाएगा। इस स्टेंजा की ये जो फर्स्ट लाइन है, इसके अंदर भी कवि ने एलिट्रेशन का यूज किया है, अनुप्रास का यूज किया गया है। वेल स्टूडेंट, दिस वॉज द पोम रिटन बाय विलियम ब्लैक।